बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक और ज़बरदस्त से बिज़नेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज मैं आपके लिए जो है बिज़नेस लाया हूँ, ये छोटे बच्चों के हवाले से है कि छोटे बच्चे जो है वो कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। किड्स के हवाले से आज की वीडियो बड़ी अहम है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि आप अपने बच्चों को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उनको दूसरों से मुनफरिद कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा जो है वो आपको रिटर्न दे सकती है अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अतीक लंगा और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल स्मार्ट बिजनेस प्लान में। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ खैर वाफियत से होंगे। आज की जो वीडियो आपके लिए लाया हूं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बच्चों के हवाले से लाया हूं कि आप के बच्चे जो है वो कैसे छोटे छोटे बिजनेस करके उससे एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो क्या बिजनेस करेंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से बिजनेस करने हैं। तो सबसे पहला जो बिजनेस मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है फार्मिंग का बिजनेस। बच्चों को फार्मिंग की तरफ रागब करें। घर के अंदर जो है आप छोटी छोटी क्यारियां बनाएं, वहां पे भी आप मुख्तलिफ किस्म के बच्चों की ड्यूटियां लगाएं, उनको काम सिखाएं, उनको बताएं कि पौधे कैसे जो है वो बीज कैसे बोया जाता है और कैसे जो है वो पौधे उगाए जाते हैं और उनकी केयर कैसे की जाती है। ये सारा काम आप बच्चे को सिखा दें। एक या दो दफ़ा आप सिखाएंगे तो वो उसकी जो तवज्जो होगी तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट डिवेल्प हो गया तो वो फिर प्रॉपर इस काम को कर सकेगा और फिर उससे वो ग्रोथ करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुदीना है या मतलब धनिया वगैरह और इस तरह की जो सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर हैं, ये उगाएं आप। ये चीज़ें जो है कि अगर आपके पास घर में कुछ थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे इजीली ये चीज़ें उग सकती हैं तो आप ज़मीन में उगाएं। अदरवाइज आप कुछ बाल्टियाँ या कुछ टोकरियाँ वगैरह ले लें, उनके अंदर भी आप बास्केट्स वगैरह के अंदर ये बआसानी जो है वो उगा सकते हैं। तो बच्चे इस चीज़ को से अपने मोहल्ले या अपने करीबी अजीज़ अकारब में बआसानी सेल कर सकते हैं और इससे भी कमा सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है चिक्स वगैरह का। बच्चे मुर्गियों के अंडे आप लें और उससे बच्चे निकलवाएं। ये भी बच्चों को आप पूरा मेथड सिखा सकते हैं कि मुर्गियों के अंडे आपने कैसे जो है वो मुर्गी के नीचे रखने हैं और उसको कैसे हैच करना है और उसके बाद उससे बच्चे निकलेंगे तो बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है, उसकी केयर कैसे करनी है, ये सारा बातें। तो ये केयर कैसे करनी है और फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप उनको मुख्तलिफ मद में सेल कर सकते हैं। आप मुर्गियाँ को जो है वो अंडों की शक्ल में जब वो अंडे देने लगेंगी तो आप अंडे बेच सकते हैं अपने अजीज़ अकारम मोहल्ले वगैरह में। आप बेशक अपने सर्कल के अंदर ही चीज़ों को बेचते रहें ताकि आपका स्किल बढ़े, के पता लगे कि किस तरह हमें ये काम करना है। और जब बच्चे इस काम को करके चेक करेंगे और उससे कुछ रिटर्न वसूल करेंगे तो उनका शौक मज़ीद इम्प्रूव होगा और उस तरफ वो ज़्यादा रागब होंगे और इस काम को करेंगे। तीसरा जो आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है मार्केटिंग का बिज़नेस। आप डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को सिखाएं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने दो आइडियाज़ आपको बताए हैं जिसमें आप फार्मिंग का, मिनी फार्मिंग की तरफ बच्चों को लेके जा सकते हैं या फिर आप मुर्गियां घर में पालकर बच्चों को जो है कि वो पूरी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो कैसे उनकी केयर करनी है, कैसे उनकी हिफाजत करनी है और फिर आपने उनसे कैसे रिटर्न वसूल करना है, यानी कि अंडों की शक्ल में या गोश्त की शक्ल में, और आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फिर जो है कि आपको अगर उसको सेल करने के लिए भी परेशानी होती है तो बच्चे को पूरी ट्रेनिंग ये दें कि वो इसको डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक का पेज, व्हाट्सअप का और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर सेल करने का भी मेथड इसको सिखाएं। ये जो चीज़ें मैं आज आपके साथ तीन कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये तीनों कंसेप्ट इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो लगाएं क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। डिजिटल इंडस्ट्री वक्त की ज़रूरत है। जो अभी प्रेजेंट कंप्यूटर इंडस्ट्री, ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को इस तरफ रागब करें और क्रिएशंस की तरफ बच्चों को लेके जाएं कि क्रिएटिव माइंड क्रिएट करें ताकि बच्चा जो है वो कुछ करने के काबिल हो, कुछ कमाने के काबिल हो। साथ पढ़ाई को फोकस लाजमी रखें। ये नहीं कि आप इस बिज़नेस छोटे मोटे बिज़नेस करना शुरू हो जाएँ और पढ़ाई की तरफ आप ना तवज्जो दें, बल्कि पढ़ाई भी आपको बहुत ज़रूरी करनी है और साथ ये छोटे छोटे बिज़नेस से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और आप एक अच्छी अर्निंग लेना शुरू होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस को भी पॉलिश कर चुके होंगे और एक अच्छी तरह आप उसको स्टेब्लिश कर चुके होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट था बच्चों के लिए। और इस तरह के बहुत सारे शानदार आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल स्मार्ट बिजनेस प्लान को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।